गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूं जिसका नाम है फ्राइड मसाले वाली भिंडी। ये रेसिपी बहुत ही क्विक और सिंपल है, तो आप इसे जल्दी से बना लेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तेल कढ़ाई में डालें और आधा किलो भिंडी कटी हुई इसमें डालकर डीप फ्राई कर लें। जब भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसे कढ़ाई से निकाल लें। फिर सारा तेल निकालकर थोड़ा सा तेल कढ़ाई में छोड़ दें। इसमें एक चम्मच जीरा डालें, फिर दो बड़े कटे हुए प्याज डालकर इसे अच्छे से फ्राई करें। जब प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें एक बड़ा कटा हुआ टमाटर डाल दें और इसे थोड़ा सा भून लें। जब टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं तो इसमें एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी डालकर इतना भूनें कि टमाटर बिल्कुल मैश हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें फ्राइड भिंडी डालकर इसे मिक्स कर लें। अब इसमें एक नींबू का रस डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर 5 मिनट के लिए दम लगा दें। अब फ्राइड मसाले वाली भिंडी तैयार है। चूल्हा बंद कर दें। आप इसे रायते के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी बनी, और अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।